दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप संसार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका उद्देश्य सही है, आप गलत उद्देश्य से किसी को अपने वश में नहीं करना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को वश में करने के लिए नहीं है, बल्कि आप जहां जहां जाएंगे, जहां जहां जिस सभा को संबोधित करेंगे, जहां भी आप विद्यमान होंगे, आपके समक्ष, आपके आसपास उपस्थित समस्त जन आपके वश में हो जाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। आप जो चाहेंगे वह सभी लोग आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाकर आपकी बात को पूर्ण रूप से मानेंगे। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों अभी तक आपने जो वीडियो देखे होंगे, जितने भी वशीकरण वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको यह बताया गया होगा कि आप इससे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को या अन्य किसी स्त्री या पुरुष को वश में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह मंत्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास उपस्थित सर्वजन के लिए है। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि वह समस्त लोग आपके वश में हो चुके होंगे। आपको इस मंत्र का प्रयोग चलते फिरते ही करना होगा। दोस्तों यह सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पहले दिन से ही यह मंत्र काम करेगा और आपको सिर्फ यह मंत्र एक बार बोलना है। दोस्तों इतना शक्तिशाली मंत्र जानने के लिए, इतना शक्तिशाली वीडियो देखने के लिए आपको यह वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो एक शब्द हो सकता है वही शब्द आपको सफलता दिलाने वाला हो और आपके स्किप करने की वजह से वह शब्द आप सुनने से चूक जाएं। दोस्तों कई बार ऐसा देखने में आया है कि मंत्र स्क्रीन पर लिखकर दिखाया गया है और लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ रहे हैं कि गुरुजी मंत्र तो बताया ही नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो लोग ऐसा पूछते हैं उन्होंने वीडियो को पूरा देखा ही नहीं, स्किप कर करके वीडियो को देखा है और मंत्र को स्किप कर दिया है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि यह मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे, आपको सफलता दिलाए, तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, इस मंत्र का आप दुरुपयोग न करें, किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग न करें। दूसरा, आपको जो यह मंत्र बताया जा रहा है, प्रारंभ से ही आप अपनी सोच को सकारात्मक कर लीजिए कि यह मंत्र 100% काम करेगा और हम जो चाहेंगे वही होगा। तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने आपको यह मंत्र दिया है उसको अपना गुरु मानकर बड़े ही आदर भाव से मन में प्रणाम करना है और गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से अपने आप को यह बताना है कि गुरु जी ने यह मंत्र दिया है, यह आवश्यक रूप से काम करेगा और हमें हर दिशा में, हर कार्य में सफलता दिलाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो 100%
आप जो चाहते हैं वही होगा। अब दोस्तों मैं आपको वह मंत्र बता दूं, ध्यान पूर्वक उस मंत्र को आप सुनिए जिससे आपके उच्चारण में कोई गलती न हो। दोस्तों इस मंत्र को जपने का एक विशेष नियम है, वह हम आपको मंत्र के बाद बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो अभी आप इस मंत्र को सुनिए। ओम सर्व लोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही सरल है, दिखने में साधारण जरूर है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वह बहुत ही परम हैं, बहुत ही अधिक हैं, बहुत ही असीमित हैं। आप इस मंत्र की शक्तियों का आकलन कर ही नहीं सकते। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब आपको इसकी शक्ति का आभास होगा। दोस्तों अब मैं आपको वह नियम बता दूं कि उस नियम से अगर आप इस मंत्र को जपते हैं तो यह काम करेगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों जिस वक्त आप इस मंत्र को जपें, जपने से पहले आपने स्नान किया हो, शुद्ध अवस्था में हो और आप एक तुलसी का पत्ता लेकर अपने मुंह में रख लीजिए और उसके बाद इस मंत्र का जाप करिए, आप जिसको भी, जिस समूह को भी, जिस क्षेत्र को भी चाहेंगे उस क्षेत्र के समस्त लोगों को अपने वश में कर सकेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, कुछ फर्जी लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा काम हो गया है, गुरुजी का ये नंबर है, आप लोग भी गुरुजी की सहायता ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। आप मुझे जानकर किसी अन्य फर्जी मोबाइल नंबर पर बात न करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मेरा जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम।